हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि कैसे विंडो 10 मशीन को डोमेन में ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स टाइप किए हुए हैं, इन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये विंडो 10 मशीन है, मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। ये विंडो 10 प्रोफेशनल वर्जन है और इसका जो कंप्यूटर नेम है विंडो 10 है और ये अभी वर्क ग्रुप में है। और मेरे पास ये सर्वर 2016 है जिसको मैंने डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया था प्रीवियस वीडियो में। तो इसका जो कंप्यूटर नेम है सर्वर 16 है और ये इसका फ्यूली क्वालिफाइड डोमेन नेम है server16.mypcsupport.local और ये डोमेन नेम है हमारा mypcsupport.local। ये इसका सर्वर मैनेजर है। तो यहाँ से टूल्स में जाकर हम इसका एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, यूज़र्स कंटेनर में यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है और यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर में ये देखिए ये शो कर रहा है, ये डोमेन कंट्रोलर है। तो चलिए विंडो 10 मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है चेक द आईपी एड्रेस एंड डीएनएस। तो सबसे पहले हम डोमेन कंट्रोल में जाके हम उसका आईपी एड्रेस और डीएनएस एड्रेस चेक करेंगे। तो यहाँ पर इथरनेट प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.5.10 और डिफ़ॉल्ट गेटवे ब्लैंक है। और इसका जो डीएनएस सर्वर है 192.168.5.10, एक्चुअली हमने इसको डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया था तो जो डीएनएस सर्वर है वो सेम है आईपी एड्रेस के। तो चलिए विंडो 10 मशीन में चलते हैं और यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस देते हैं। तो हमें इस विंडो 10 मशीन को सेम सीरीज का आईपी एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पर आईपी हम देंगे इसको 192.168.5.11 दे देते हैं और सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पर डीएनएस सर्वर में हमें सर्वर का आईपी एड्रेस देना होगा 5.10। और सेकंड स्टेप है चेक द कनेक्टिविटी वाया पिंग। तो इस विंडो 10 मशीन की हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे सर्वर 2016 के साथ। तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। और सर्वर का आईपी एड्रेस पिंग करते हैं। तो देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है सर्वर के साथ, तो आप ये देख सकते हैं। और थर्ड स्टेप है चेक द डोमेन नेम। तो डोमेन नेम हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए डोमेन नेम mypcsupport.local और यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के कंसोल में भी यहाँ पर शो कर रहा है mypcsupport.local। और फोर्थ स्टेप है टू नो द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो हमें डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पता होना चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से ही हम किसी भी मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस विंडो 10 मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए हम ये दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर चेंज सेटिंग्स। यहाँ पर ये चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये डोमेन, और यहाँ पर हम डोमेन नेम देंगे mypcsupport.local। इसको ओके करेंगे तो ये
ये देखिए यूजर ने पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड टाइप करना है। तो ये मैसेज आ रहा है वेलकम टू माई पी सी सपोर्ट डॉट लोकल डोमेन, ओके करेंगे, ओके क्लोज और इसको एक बार रिस्टार्ट करेंगे। तो जब तक ये मशीन रिबूट होती है हम डोमेन कंट्रोल में जाके यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, डोमेन यूज़र, और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये न्यू में जाएंगे और ये यहाँ से यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखिए छोटा सा आइकन आ रहा है, यहाँ से भी हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम देना होगा, फर्स्ट नेम यूज़र दे देते हैं और यहाँ पर लोगो नेम हम सेम रखेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पासवर्ड देंगे। तो फ्रेंड्स ये पासवर्ड में लेटर्स, स्पेशल करेक्टर और नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, नेक्स्ट, फिनिश। तो विंडो 10 मशीन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एडमिन एक्चुअली ये लोकल मशीन का यूज़र है, तो हमें लोकल मशीन के यूज़र से लॉगिन नहीं करना है, हमें डोमेन यूज़र से लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर अदर यूज़र पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम डोमेन यूज़र नेम देंगे और उसका पासवर्ड टाइप करेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए मैसेज शो कर रहा है साइन इन टू माई पी सी सपोर्ट, ये हमारा डोमेन नेम है, तो लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड जब ये डोमेन यूज़र किसी भी मशीन में फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो ये टाइम लगाता है क्योंकि न्यू प्रोफाइल क्रिएट होती है, तो वेट करते हैं। तो डोमेन यूज़र से लॉगिन कर चुके हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं इस मशीन को। तो यहाँ पर ये सिस्टम में जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन में माई पी सी सपोर्ट यहाँ पर शो कर रहा है और उसको हम यहाँ से भी जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये फुल कंप्यूटर नेम यानी फ्यूली क्वालिफाइड डोमेन नेम विंडोज 10 डॉट माई पी सी सपोर्ट डॉट लोकल और डोमेन नेम यहाँ पर शो कर रहा है माई पी सी सपोर्ट डॉट लोकल और इसको हम सर्वर में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर्स में यहाँ पर विंडो 10 मशीन ये शो कर रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हैं, इसका देखिए वर्जन भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको DNS मैनेजर में भी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे, टूल्स DNS और यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे सर्वर 16 को, फॉरवर्ड लुकअप जोन ये माई पी सी सपोर्ट डॉट लोकल और यहाँ पर देखिए विंडो 10 मशीन ये शो कर रहा है और ये विंडो 10 इस IP एड्रेस से लिंक है 192.168.5.11, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से विंडो 10 मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, थैंक यू।